सो स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स एक ऐसी मूवी थी जिसके फर्स्ट पार्ट का पॉप कल्चर पर बहुत ही बड़ा इंपैक्ट रहा है, जहां स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स सोनी की फर्स्ट एनिमेटेड मूवी थी जिसने एनिमेशन की कैटेगरी से पहला ऑस्कर घर लाया था। तो इसका सेकंड पार्ट होने के नाते अक्रॉस द स्पाइडरवर्स से उम्मीदें तो बहुत सारी थी ही, एंड आई एम टेलिंग यू मूवी इसके एनिमेशन को लेकर बिल्कुल भी निराश नहीं करती। जहां विदाउट स्पॉइलर स्टोरी के बारे में बात करें तो माइल्स मोरालेस अपने टीनेज लाइफ के छोटे मोटे प्रॉब्लम से डील करने की कोशिश में लगा है। उसके पेरेंट्स रियो और जेफ डेविस उसे लेकर चिंता में ही है कि हाय मेरा बेटा, ये कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा, कैसा होगा रे इसका। लेकिन उन्हें ये पता नहीं है, पर हमें तो पता है कि माइल्स कोई आम बच्चा तो नहीं है, उसके ऊपर स्पाइडरमैन होने की जिम्मेदारियां है। जहां उसके साथ मल्टीवर्स की कबड्डी खेलने के लिए इस बार स्पॉट नाम का एक बंदा आया है जिसके पास मल्टीवर्स को एक्सप्लोर करने की असीम शक्तियां है, पर ये बंदा बकचोद भी बहुत है। लेकिन दिमाग से थोड़ा पैदल होने के बावजूद वो अपने स्पाइडरमैन के साथ कुछ ऐसा कांड कर देता है जिसकी वजह से मल्टीवर्स में एग्जिस्ट करने वाले सारे स्पाइडरमैन लिटरली बिल्ली स्पाइडरमैन से लेकर डायनासोर स्पाइडरमैन तक सारे के सारे अपने मक्कड़ मानव के पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं। जहां मूवी का स्ट्रॉन्ग कोर इसका एनिमेशन तो है ही, पहली मूवी की तरह इसके एनिमेशन को भी इस बार एक यूनिक टच दिया गया है। आगे चलकर आप जब भी इस मूवी को अगेन रीवॉच करोगे तब भी आपको इस मूवी के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ नई चीजें दिख ही जाएगी, इतनी ज्यादा डिटेलिंग की है इस मूवी में। लेकिन चाहे कुछ भी हो, पर ये मूवी है तो स्पाइडरमैन की ही, फिर चाहे वो पीटर पार्कर हो या माइल्स मोरालेस हो। जहां हर रोज की जिंदगी की प्रॉब्लम्स हर एक स्पाइडरमैन के नसीब में तो है ही, रोज टाइम से घर न आना, दुनिया को बचाते बचाते अपने फैमिली के ही इमोशंस का सैक्रिफाइस दे देना, इन सारी स्पाइडरमैन की चीजों से अगर आप रिलेट करते आए हो और अगर आप इस मूवी के अंदर भी इस चीज को रिलेट कर जाओगे तो फिर मूवी आपको बहुत बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। जहां मूवी के अंदर अच्छी खासे अमाउंट में ह्यूमर भी डाला गया है जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम काम भी करता है। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हो जो कि सिर्फ मल्टीवर्स की भसड़ को देखने के हिसाब से थिएटर में जा रहे हो तो फिर शायद आपको इसका फर्स्ट हाफ स्लो लग सकता है, क्योंकि मूवी अपना टाइम लेती है। स्टार्टिंग से ही आपको सारी क्रेजी चीजें नहीं देखने मिलेगी, थोड़ा सबर रखना पड़ेगा। जहां इसी के साथ साथ एक प्रॉब्लम भी मुझे इस मूवी के साथ फील हुई कि ये आपको मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट के साथ बड़े ही अच्छे से एक्सप्लोर और क्लियर तो कर देगी, पर कुछ ज्यादा ही कैरेक्टर्स होने के चलते मूवी हर एक स्पाइडरमैन को अच्छा खासा टाइम नहीं दे पाती। जितने वो ट्रेलर के अंदर दिखे उतना ही स्क्रीन टाइम उनको मूवी के अंदर भी मिला है। और जहां बात रही अपने स्पाइडरमैन इंडिया पवित्र प्रभाकर की, तो हाँ एक अच्छा खासा रोल तो है जो कि इम्पोर्टेंट भी फील होता है। बाकी के स्पाइडरमैन की तरह वो बस आके चला नहीं जाता है, एक अच्छा खासा टाइम तो है। लेकिन मूवी का विलन स्पॉट, इसके साथ भी स्क्रीन टाइम का इशू है बावा। जहां फर्स्ट हाफ में अच्छे खासे एक्शन के साथ स्पॉट हमें दिख तो जाता है, लेकिन सेकंड हाफ आते आते मोस्ट ऑफ द टाइम वो गायब ही होता है। जहां समझ में आ रहा था कि हाँ थर्ड पार्ट बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स के लिए बचाया जा रहा है, इसका थर्ड पार्ट भी आने वाला है। पर कोई नहीं, अगर आप अक्रॉस द स्पाइडरवर्स को देखने का मन बना रहे हो तो फिर आप इसे डेफिनेटली चेकआउट जरूर करना, एटलीस्ट इसके एनिमेशन के पीछे की गई मेहनत को देखने के लिए, डिटेलिंग इस तरह की इसका म्यूजिक फील करने के लिए इस मूवी को जरूर चेकआउट करना। साथ ही साथ अगर चैनल पे नए आए हो तो फिर वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब करके शॉवर सम लव कर देना। मैं मिलता हूं आपको ऐसे ही ब्रांड न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए हास्ता ला विस्ता।